सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के 13वें सीजन का 43वां मुकाबला दुबई के मैदान पर किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ऐसे में पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 126 रन बनाए हैं। हैदराबाद की टीम महज 114 रन पर ऑल आउट हो गई और पंजाब ने 12 रन से मैच जीत लिया। आपको बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल और मनदीप सिंह ने उठाई। दोनों ने पहले के 4 ओवर में 24 रन जोड़े। हालांकि 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर मनदीप 14 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनको संदीप शर्मा ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। क्रिस गेल के रूप में पंजाब को दूसरा झटका लगा, जो कि 20 गेंदों में 20 रन बनाकर जेसन होल्डर की गेंद पर आउट हुए। पंजाब को तीसरा झटका कप्तान केएल राहुल के रूप में लगा, जो कि राशिद खान की गुगली पर 27 गेंदों में 27 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। पंजाब को चौथा झटका ग्लेन मैक्सवेल के रूप में लगा। संदीप शर्मा ने ग्लेन मैक्सवेल को 12 रन के निजी स्कोर पर डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करवा दिया। लेकिन दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल के आउट होते ही पंजाब की पारी लड़खड़ा गई और फिर पंजाब की तरफ से निकोलस पूरन सिर्फ 32 रन बना पाए और नाबाद लौटे। हैदराबाद की ओर से संदीप शर्मा, जेसन होल्डर और राशिद खान ने 2-2 विकेट चटकाए। निकोलस पूरन ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और अपनी टीम को 126 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और 127 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। आपको बता दें कि आते ही हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने शुरू कर दिए और कप्तान वार्नर ने 20 गेंदों में शानदार 35 रन की तेज तर्रार पारी खेली। लेकिन पारी के 7वें ओवर में डेविड वार्नर रवि बिश्नोई का शिकार बने। आपको बता दें कि रवि बिश्नोई ने वार्नर को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा कर पवेलियन वापस भेज दिया। इसके बाद अपनी पारी में संघर्ष कर रहे जॉनी बेरस्तो भी अपना विकेट गंवा बैठे और मुर्गुन अश्विन ने 19 रन के निजी स्कोर पर उन्हें बोल्ड कर दिया। फिर बल्लेबाजी करने आए हैदराबाद की टीम के खिलाड़ी अब्दुल समद कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। इसके बाद दोस्तों, जयशंकर और मनीष पांडे ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी और मैच को वो अंत तक भी ले गए। लेकिन जब हैदराबाद को 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे, तब मनीष पांडे ने छक्का लगाने की कोशिश करी, परंतु लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी सुचित ने मनीष पांडे का शानदार कैच पकड़ लिया और इसी कैच के साथ ये मैच भी पलट गया। मनीष पांडे 15 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद विजय शंकर अभी भी क्रीज पर बने हुए थे, परंतु पारी के 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर विजय शंकर भी केएल राहुल को अपना कैच थमाकर आउट हो गए। शंकर ने अपनी पारी में 27 गेंद में 26 रन बनाए और यहीं से मैच पंजाब की गिरफ्त में आ गया। लेकिन अभी भी आखिरी ओवर में हैदराबाद की टीम को 6 गेंदों में 14 रन चाहिए थे और गेंदबाजी करने आए थे अर्शदीप। दोस्तों, इस ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन बना, लेकिन अगली गेंद पर संदीप शर्मा कैच आउट हो गए। फिर अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने प्रियम गर्ग को भी अंदर गेंद फेंक कर आउट करवा दिया और उन्हें पवेलियन वापस भेज दिया। और आखिरी विकेट इस ओवर की 5वीं गेंद पर गिरा, जब खलील अहमद 1 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। और दोस्तों, 126 रन के मामूली से स्कोर को किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने इस तरह डिफेंड किया कि वो बहुत ही काबिले तारीफ है। दोस्तों, तारीफ करनी होगी केएल राहुल की कप्तानी की, उनके गेंदबाजों की। जिस तरह से केएल राहुल ने कप्तानी की है, उसने सभी का दिल जीत लिया है। परंतु आप सभी पंजाब की टीम की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को।